सभी भक्तों को राधे राधे। लाड़ी लाल की जय हो, निस्वान दुलारी की जय हो। एक बहुत सुंदर सा दृश्य हमें देखने को मिल रहा है। आप भी देख सकते हैं कि बरसाना धाम की इस बारिश में बरसाना धाम का ये जीव किस तरह से बारिश से बचने के लिए छिपके बैठा हुआ है, कहीं भीग ना जाए। देखिए कितने बड़े योग आसन के साथ यह जो बरसात से बचे हुए बैठा हुआ है। और महल में काफ़ी तेज़ बारिश है। बरसाना धाम में आज सुबह से ही हल्की हल्की बूंदों के साथ साथ कभी तेज़ तो कभी धीमी धीमी बारिश हो रही है। आप सभी आनंद लें और सभी से यही अनुरोध है कि शेयर करते रहें ताकि और भी भक्त इस लाइव से जुड़ेंगे और श्री जी सभी पर कृपा करें। और बारिश शाम से ही हो रही है, जैसे ही महल खुलते ही बरसात श्री जी के बरसाना धाम में बरस रही है। और किस तरह से श्री जी के जो छत से है, अटारी से जो झरने हैं, उसका आप सभी आनंद लें। राधे राधे बोलते रहें और फिर से कुछ जय हो राधे राधे। जी बिल्कुल राधे श्याम। कहाँ से आए हो? अच्छा मेरठ से आए हो। अच्छा चलिए। अच्छा हस्तापुर आपसे 12 किलोमीटर दूर है। अच्छा अच्छा जय हो जय हो। चलिए श्री जी बुलाती रहे, ऐसे आप आते रहे आते रहते। जय हो जय हो। देखिए बारिश और तेज़ हो चुकी है बरसाना धाम में, बारिश और तेज़ हो चुकी है। हाँ ठंडक भी। और ये सब हमारा पूरा परिवार है जो मस्ती ले रहा है महल में, सभी राधे राधे। देखिए किस तरह से करुणा की बारिश में सभी नहा रहे हैं और देख सकते हैं सभी भक्त इस आनंद ले रहे हैं इस बारिश का। आप सभी बने रहें, ये भी हमारे परिवार के भक्त हैं। जय हो राधे राधे। सभी इस बारिश में भीग रहे हैं, आपका भी मन कर रहा होगा इस बारिश में भीगने का, क्योंकि ये करुणा की बारिश है। इस बारिश में कौन भीगना नहीं चाहता, इसमें कौन मस्ती लेना नहीं चाहता। और देखिए किस तरह से ये आनंद बरस रहा है श्री जी के महल में। जो रस बरस रहे हो बरसाने, वो रस बैकुंठ में भी नहीं है। और जब मैं इनके अगर भक्तों की बात बताऊं, तो ये अभी गहवर वन चलने वाले थे, मैंने कहा थोड़ी सी बारिश है, थोड़ी सी हल्की सी बारिश थी उस समय, तो कहने लगे भैया कोई बात नहीं चलते हैं, हल्की बारिश है। मैंने कहा चलिए चलते हैं। और देखा जैसे ही मैं बाहर निकल के आया तो बारिश बहुत तेज़ हो चुकी थी, बारिश बहुत तेज़ हो चुकी थी। कहने लगे भैया अब तो बहुत तेज़ हो चुकी है, इस समय तो हमारे जो जीव हैं वो भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो भी छिपके बैठे हुए होंगे। और सच में बड़ा आनंद नज़ारा, अद्भुत नज़ारा है लाडली, अद्भुत नज़ारा तेरे बरसाने में है। बेसहारों को सहारा तेरे बरसाने में है। किस तरह से इस बारिश में भीग रहे हैं सभी भक्त, और आप भी इस मस्ती में, आप भी इस बरसात में, इस करुणा की बारिश में भीग जाइए और आनंद लेते रहिए। और नज़ारा सच में अद्भुत है। आप सभी से यही अनुरोध है कि सभी जुड़े रहें, शेयर करते रहें। लाडली जी सभी पर कृपा करें। जी बिल्कुल सभी का मन कर रहा होगा बरसाना धाम आने का, क्योंकि ये करुणा की बारिश है, कौन भीगना नहीं चाहेगा, हर कोई भीगना चाहेगा। और देखिए किस तरह से इसी बरसात में भी भक्त भीगते हुए श्री जी के, लाडली जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। यह है राधा नाम की मस्ती, यह है राधा नाम की मस्ती। और यहाँ देखिए किस तरह से इस बरसात में ये जीव छिपे बैठे हैं श्री जी की छत्र छाया में। और दूसरी तरफ का नज़ारा तो सच में अलग ही है। वहाँ से तो हमें स्टार्ट ही हमारा वहीं से हुआ। आप सभी जुड़े रहिएगा, राधे राधे बोलते रहिएगा। श्री जी की कृपा सभी पर बनी रहे, सभी को लाडली जू बरसाना धाम बुलाती रहे। और सभी यही अनुरोध करना चाहूँगा कि सभी शेयर करते रहें ताकि और भी भक्त इस लाइव से जुड़ेंगे। सभी को श्री जी के महल से अद्भुत आनंद आता रहेगा। और देखिए करुणा की मस्ती है, इसमें हर कोई भीग रहा है, सभी भीग कर भी श्री जी के दर्शन करना चाहते हैं। और महल का अंदर का नज़ारा भी हम देखेंगे, देख सकते हैं किस तरह से हर कोई इस बारिश में भीग रहा है। ये महल का नज़ारा, महल में सब इंतज़ार कर रहे हैं बारिश बंद होने का। और कितना सुंदर लग रहा है नज़ारा। आप यहीं से श्री जी की सखियों के दर्शन कीजिए। और सभी से यही है कि सभी हमारे ग्रुप की बजाय और जो आपके जितने भी पेज हैं, परिवार के जो भी हैं, उन सब में शेयर कीजिए
ताकि और भी भक्त लाइव से जुड़ेंगे, सभी को यह आनंद प्राप्त होता रहेगा। और देखिए कितना अद्भुत नज़ारा आप देख सकते हैं महल में, कि हर कोई इस बारिश में भीग रहा है और सूर्य भगवान भी हल्के हल्के, सूर्य भगवान के भी हमें दर्शन हो रहे हैं। ये करुणा की बारिश है, हर कोई इस मस्ती में झूम रहा है। और देखिए यहाँ किस तरह से ये मस्ती हो रही है, देखिए किस तरह की ये मस्ती हो रही है। आप सभी आनंद लेते रहें, राधे राधे बोलते रहें, श्री जी की कृपा सभी पर बनी रहेगी, सभी को लाडली जी बरसाना धाम बुलाती रहेगी। और सूर्य भगवान भी निकल रहे हैं और बरसात भी हो रही है, ऐसा नज़ारा आप देख रहे होंगे कि कितना अद्भुत नज़ारा है लाडली जी के महलों में। और सभी इस बारिश में भीग कर आनंद ले रहे हैं, क्योंकि ये करुणा की बारिश है। यहाँ तो आनंद ही आनंद है, क्योंकि जो रस बरस रहे हो बरसाने वो रस तीन लोक में ना है। हर जगह आनंद बरस रहा है, हर जगह आनंद बरस रहा है। और आज हमारी श्री राधा रानी ने शाम को रोजी कलर की पोशाक, श्री जी ने रोजी कलर की पोशाक पहन रखी है, बहुत सुंदर पोशाक। और उससे पहले श्री जी की तोते पैरेट जैसे कलर की पोशाक थी। श्री जी के महलों में नित्य प्रति नित्य पोशाक है, एक एक नहीं दो दो पोशाक है श्री जी के महलों में भक्तों के द्वारा चढ़ाई जाती है। और ये सच में आज तो आनंद आ गया महल में, महल से सच में चारों तरफ अगर घूम के देखें तो हर जगह बरसात ही बरसात है, बहुत तेज़ बारिश है। आप इस मस्ती में डूबते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए और इस आनंद को फील कीजिए कि हम बरसाना धाम में हैं। और आप सब बरसाना धाम पहुंच चुके होंगे और इस बारिश में भीग रहे होंगे। मन तो मेरा भी कर रहा है कि मैं भी इस बारिश में भीग कर नहाऊँ और इस मस्ती में डूबूँ, लेकिन श्री जी की सेवा भी करनी है। देखिए किस तरह से अद्भुत, जब आपका इतनी दूर होकर इस बारिश में भीगने का मन कर रहा है, तो मेरा तो बस यहाँ रहकर भी बस ऐसा मन कर रहा है कि जल्द से जल्द इस प्रांगण में जाकर इस करुणा की बारिश में भीग जाऊं। और यहाँ देखिए किस तरह से सभी भक्त आनंद ले रहे हैं, बहुत भक्त हमारे मेरी राधानी परिवार से आए हुए हैं, सब मेरी राधानी परिवार के भक्त हैं जो कि हमारे इस लाइव से नित्य प्रति जुड़ते हैं। और श्री जी ने इन्हें बरसाना धाम बुला ही रखा है, और श्री जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे और आप सभी इस मस्ती में डूबते रहें। और यहाँ तो सच में पता भी नहीं चलता कि कब कृपा हो जाए लाडली जी की, कब किशोरी जी बरसाना धाम बुला ले, क्योंकि ये मस्ती है, हर कोई डूबना चाहता है, हर कोई इस मस्ती में आनंद लेना चाहता है। झुकियाए बदरा ओ राधे झूलनु पधारो, झुकियाए बदरा श्यामा झूलनु पधारो, झुकियाए बदरा ओ राधे झूलनु पधारो, झुकियाए बदरा ओ प्यारी झूलनु पधारो, झुकियाए बदरा। अब श्री जी झूलन महोत्सव में भी इस बरसात का हम सब आनंद लेंगे, श्री जी का हिडोला होगा, स्वर्ण हिडोला होगा श्री जी का, सोने के सिंहासन में लाडली जी होली का आनंद लेगी। आप सभी इसी तरह जुड़कर आनंद लेते रहिए और राधे राधे तो बोलते रहिए, श्री जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे यही चाहता हूँ। और श्री जी की जो आज की जो पोशाक है, जो फिरोजी कलर की जो पोशाक है, आप सभी उसके दर्शन कीजिएगा। पुजारी जी के हटते ही देखिए ये फिरोजी कलर की पोशाक और इसमें गोल्डन कलर का गोटा है, बहुत सुंदर पोशाक है हमारी किशोरी जी की। आप सभी इस बैलून की डेकोरेशन के साथ आनंद लीजिए और सच में बड़ा अद्भुत आनंद बरस रहा है महल में। 56 भोग भी लगे हुए हैं श्री जी के महलों में, 56 भोग भी भक्तों के द्वारा लगे हुए हैं। श्री जी आप सभी पर कृपा करें, आप सभी को बरसाना धाम बुलाती रहे। जय हो मेरी राधा रानी की, जय हो विष्णु दुलारी की। और देखिए नज़ारा कैसा है कि सूर्य भगवान भी निकल चुके हैं और बरसात भी हो रही है, सूर्य भगवान भी निकल चुके हैं और बरसात भी हो रही है। आनंद ही आनंद है, अद्भुत आनंद बरस रहा है महलों में। और इस बारिश में देखिए किस तरह की मस्ती चल रही है।
उर्स भानु लाली के गुनगाई, श्री राधिका के गुनगाई। वो सबसे सुंदर है बरसानो, वो सबसे सुंदर है बरसानो। सच बताऊं, अगर बरसाना धाम नहीं आए तो समझ लीजिए भाग ही फूट गए आपके, अगर आप बरसाना धाम नहीं आए, क्योंकि और सबसे सुंदर है बरसानो। जग में राधा रानी को, अरे राधा रानी को, हमारी श्री श्री महारानी को, वो सबसे सुंदर है बरसानो। जग में राधा रानी को, और मस्ती ये आनंद की मस्ती है, जो सब ये मस्ती में झूम रहे हैं, वो किस तरह से सभी भक्त देख सकते हैं महल के इस प्रांगण में, किस तरह से आनंद ले रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे किस तरह से इस करुणा की बारिश में भीग कर आनंद ले रहे हैं। आप भी जुड़े रहिए, राधे राधे बोलते रहिए, लाइव को शेयर करते रहिए, ताकि और भी भक्त इस लाइव से जुड़ेंगे, सभी को ये आनंद प्राप्त होता रहेगा। जय हो मेरी राधा रानी की, जय हो वृषभान दुलारी की, आज के आनंद की सदा ही जय जयकार हो।